जादुई डॉग्स। शिवराम शर्मा नाम का आदमी सौभाग्यपुर के गांव में पुजारी का काम करते हुए बहुत मुश्किल से उनका बीवी और दो बच्चों का पोषण कर रहा था। उनकी पत्नी सुगना एक दिन, सुनिए जी, घर में चावल खत्म हो गया है, बच्चों को भूख लग रही है, आपसे हर शुक्रवार पूजा करवाने वाले किराना दुकानदार और साहूकार से आपका हालत बताकर चावल और चीजें लाएंगे तो खाना पकाती हूँ, बोली। तब शिवराम शर्मा, कोई फायदा नहीं है सुगना, वे लोग नहीं देते हैं, पूछना भी बेकार है, हर महीना देने वाला 100 भी अगर महीने के बीच में पूछेंगे तो नहीं देते हैं, कहा। तब सुगना निराश होकर, वेद मंत्र जानने वाले आप जैसे महान पंडित को असल में जिस गांव में रहते हैं उधर उनका जीवन सुकून से गुजरता है, लेकिन ये गांव तो नाम के लिए ही सौभाग्यपुर है, लेकिन इस गांव में रहने वाले सारे पैसे वाले तो कंजूस है, बिल्ली को भी थोड़ा सा खाना नहीं खिलाते हैं, इतना निर्दय है। उनके घरों में तो बड़े बड़े पूजा और कान करवा कर बहुत कम पैसे देकर खाली एक प्रणाम कर भेजते हैं, असल में ये गांव छोड़कर कोई दूसरा गांव जाकर जिएंगे तो बेहतर होगा रहा है, बोली। तब राम शर्मा, दादा परदादाओं का ये घर छोड़कर कहाँ जाना है सुगना, जीना है या मरना है तो इसी गांव में ही होगा, मैं ऐसा परमेश्वर शास्त्री के पास जाकर कुछ चीजें लेकर आता हूँ, कहकर बाहर चला गया। बगल वाले गांव कुचालपुर में तो बहुत गरीब लोग रहते थे, क्योंकि उधर का इतना उपजाऊ मिट्टी नहीं था, इसलिए उधर फसल नहीं उगते थे और हमेशा जमीन सूखा होने के कारण उधर ज्यादा गरीब लोग थे। ऐसे काल के साथ उस गांव के ज्यादा लोग चोर और लुटेरे जैसे बदल गए थे, इसलिए उनका नजर सौभाग्यपुर पर गिरा था। तब से लेकर सौभाग्यपुर में चोरियां ज्यादा होने लगे, हर रोज किसी न किसी घर में चोरी होने लगा। तब राम शर्मा से परमेश्वर शास्त्री, देखा है राम शर्मा, जितना पाप करेगा उसका दुगना वापस जाएगा, जैसा जिंदगी गुजारने के लिए उनके नीचे काम करने वालों को सही से पैसे नहीं देने वाले ये सौभाग्यपुर का धनवान आजकल चोरों के वजह से डर के मारे कांप रहे हैं, कब किसके घर में चोर लोग घुसकर खाली कर देते हैं कहकर डर रहे हैं, नाइट वॉचमैन और पुलिस वाले रात भर रक्षा करने से भी चोरियां होने लगे, आखिर में पुलिस लोग भी तंग होकर हाथ उठा लिए, हमारे जैसे कम आय वालों से लूटकर उन चोरों के हाथ में रख रहे हैं ये धनवान, कहा। उस गांव का सरपंच उस गांव में पंचायत लगाया, लोगों से, सरपंच, हमारे गांव में चोरों का समस्या के लिए एक विचार है, वो है कुत्तों को पालना, इसलिए हर गांव में हर एक घर में कुत्तों को पालना है कहकर घोषणा कर रहा हूँ, इसलिए हमारे गांव वालों को हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले सप्लाई करने वाले कुत्तों को खरीद कर पालने के लिए आदेश करता हूँ, इसके लिए म्युनिसिपैलिटी वाले ही बड़ा संख्या में कुत्तों को म्युनिसिपल मैदान में रखकर बेचेंगे, एक हफ्ते के अंदर हर घर में कुत्ता रहना है कहकर आदेश दे रहा हूँ, कहा। तब एक धनवान और एक धनवान से, ये सुना है वो सरपंच 1000 रुपए वाले साधारण कुत्ते को हमें 5000 में बेच रहा है, कहा। दूसरा आदमी, और क्या कर सकते हैं, वो तो सरपंच है, कल हमको उनसे कुछ जरूरत काम तो होगा, खरीदना तो पड़ेगा ही, कहा। तब राम शर्मा और परमेश्वर शास्त्री सर पकड़कर बैठ गए। तब परमेश्वर शास्त्री, ये क्या कर्म है, हमें कुत्तों को पालना है क्या, फिर हमारा रीति गया आग में, कहा। तब राम शर्मा, वो तो ठीक है कुत्तों को तो पालेंगे, लेकिन एक कुत्ता को 5000 देकर कैसे खरीदना है, उतने पैसे कहाँ है, कहा। ऐसे हर घर में कुत्तों का शोर ज्यादा हो गया। ऐसे हर किसी के गली में जाने से कुत्ते कहकर भौंकने लगे। म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी एक आदमी हर घर में जाकर उनके घर में कुत्ता है कि नहीं देखने लगा। ऐसे वो राम शर्मा के घर में गया, वहाँ कुत्ते नहीं रहने के वजह से वो कर्मचारी, क्यों शर्मा जी, कुत्ता कहाँ है आपका घर में, अब तक नहीं खरीदे है क्या, पूछा। तब राम शर्मा, खरीद नहीं, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कहा। तब वो गुस्सा होकर, उधार करके खरीदना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर से सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगे और गाँव से भी बाहर निकाल देंगे, कहकर धमकी देकर उधर से चला गया। तब राम शर्मा, हे भगवान, ये क्या हालत बना दिया है मेरा, मुझे इस मुश्किल से बचा भगवान, कहकर जोर से विनती किया। इतने में बाहर दरवाजे पर भवती भिक्षां देहि कहकर आवाज सुनाई दिया। वो सुनकर सुगना एक केला को ले जाकर, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, आज खाना नहीं बनाई, दया करके ये केला स्वीकार कीजिए, कहकर दुखी से बोली। तब साधु राम शर्मा से, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सब कुछ पता है, कहकर उनके पास केले को लेकर उसे छीलकर कनक भैरवा, वज्र भैरवा, धन भैरवा कहकर पुकारा। तब तीन कुत्ते उधर प्रकट हुए। तब साधु उन तीन कुत्तों को केला खिलाया।
उन पर थपथपाकर, हे भैरवा, अब से आप इन पुण्यकारों के साथ ही रहना है। हर रोज सुबह 1 घंटा तक इनको आप क्या प्रसाद दे सकते हैं वो प्रसाद दीजिए, कहकर उधर से चला गया। वे तीनों कुत्ते खुशी से कहकर भौंकने लगे। अगले दिन सुबह राम शर्मा और सुगना उन कुत्तों को 3 केले खिलाए। तब वे 3 कुत्ते सोना, हीरे और पैसों के कुत्तों की तरह बदलकर उनके मुंह से सोना, हीरे और पैसे गिराने लगे। वो देखकर वे दोनों हैरान होकर उन तीनों कुत्तों को प्रणाम किए। अगले दिन से वे उन पैसों को गरीब लोग में बांटना शुरू किए। कुछ दिन के बाद उस गांव में चोरियां होना बंद हो गए, क्योंकि उस गांव के गरीब लोगों को भी नहीं, कुचालपुर और भी गांव के लोगों का भूख ये लोग मिटा रहे थे। ऐसा हर रोज वे 3 कुत्ते सोना, हीरे और पैसे देने लगे और उनको गरीब में बांटते हुए पति और पत्नी दोनों खुशी से जीने लगे।